सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है अंजलि और आप देख रहे हैं अंजलि का किचन। आज हम न्यू रेसिपी लेकर आए हैं कढ़ी पकौड़ा, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेसिपी बनाने के लिए बेसन ले लेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। उसके बाद अभी हम इसमें भी नमक डाल लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे और इसको अभी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे क्योंकि ये जो है सॉफ्ट हो जाए। अब हम उसके लिए दही लेंगे, कड़ी पत्ता लेंगे, प्याज लेंगे, लाल मिर्च लेंगे, लहसुन लेंगे, जीरा ले लेंगे और टमाटर ले लेंगे। अब हम कढ़ाई बैठाएंगे और उसमें अभी हम ऑयल डालकर उस ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डाल लेंगे। हम इसे गोल गोल करके पकौड़ा टाइप बना लेंगे। सारे को हम इसी तरह डालकर अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अभी एकदम अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और सारे को भी हम इसी तरह बनाकर रेडी कर लेंगे। फ्राई हो जाने के बाद अब हम किसी बर्तन में पानी ले लेंगे और जो हमने फ्राई करके रखा था वो हमें इसमें अभी डालकर इसको एकदम अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे। बेसन का जो पेस्ट है उसको हम थोड़ा सा रख लेंगे। अब हम उसमें पानी डाल लेंगे। ये हम इसलिए रखेंगे क्योंकि हम इसकी कढ़ी बना सकें। अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम कढ़ाई बैठाएंगे। कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद अब हम इसमें भी ऑयल डाल लेंगे। ऑयल गर्म जब हो जाए अब हम इसमें भी जीरा डाल लेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल लेंगे। उसके बाद अभी हम इसमें भी कड़ी पत्ता डाल लेंगे। थोड़ा पक जाने के बाद अब हम इसमें लहसुन डाल लेंगे। उसके बाद अभी हम इसमें भी प्याज डाल लेंगे। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। हल्का फ्राई हो जाने के बाद अभी हम इसमें हल्दी डाल लेंगे। अब हम इसमें नमक डाल लेंगे। अब हम इसे एकदम अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ा फ्राई कर लेंगे।
अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाने के बाद अब हम इसमें टमाटर डाल लेंगे। टमाटर डाल लेने के बाद अब हम इसे लो फ्लेम में पका लेंगे। जब तक ये पक रहे हैं, जो हमने पकौड़े को भिगोकर रखे थे उसकी अभी हम अच्छे तरीके से पानी निचोड़ लेंगे। अभी एकदम अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है तो हम सारे को भी इसी तरह निचोड़ कर रख लेंगे। अभी एकदम अच्छे तरीके से पक चुका है। अभी एकदम अच्छे तरीके से पक चुका है। जो अभी हमने पेस्ट बनाए थे बेसन के, वो अभी हम इसमें डाल लेंगे। अब हम इसे एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से पका भी लेंगे। सो गाइस, अभी एकदम अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। जो हमने पकौड़े को सॉफ्ट करके रखा था वो अभी हम इसमें डाल लेंगे। सारे पकौड़े को अभी हम अच्छी तरीके से डाल लेंगे और उसको हम एकदम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो पक जाने के बाद अभी हम इसमें दही डाल लेंगे, क्योंकि जो इसका टेस्ट एकदम और भी ज़्यादा अच्छा है। अब हम इसे भी अच्छे तरीके से उसमें मिला लेंगे। फाइनली जो है वो कढ़ी पकौड़ा वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल कर सर्व कर लेते हैं। सो गाइस, फाइनली जो हमारा कढ़ी पकौड़ा रेडी हो चुका है। आप इसे एकदम इस तरह बनाएगा तो खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगेगा। तो गाइस, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और गाइस, जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।